उम्मती के ख्याल से। जब नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से दिमाग खराब है। तो दाता लाहौरी यहां जाके चिल्ला गया, दाता ही तो इसीलिए आता है, अच्छी तरह समझाता है, असली बात बताता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिल में दाता नहीं उस मौलवी को गुजाता नहीं। अच्छा भाई, इन नमाज पढ़ते वक्त जो लोग दुनिया का ख्याल करते हैं। एक मुरीद था पीर के पास गया, हुजूर बड़ी इंपॉर्टेंट चाबी थी, कुंजी मैं भूल गया हूं, कहां रखे हूं याद नहीं पड़ रहा है। पीर साहब दुआ कर दी, उनका जा जब तक याद ना पड़े नमाज पढ़। जैसे ही नमाज के लिए खड़ा हुआ इतना दुनिया का ख्याल शुरू हुआ, इतना ख्याल भटका इधर उधर उसका दिमाग बगैर टिकट के बगैर रिजर्वेशन के पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, उसी में ये भी याद आ गया कहां रखा। इतना बहकाता है यवसी सोफी सुदूरी नाश कि कहा बतावे कितना बहकाता है। ऐसी समझ लिया कि नमाज में तुम दुनिया का ख्याल करो। अब उलमाए कराम जाने नमाज कैसी है, मुझको तो अजीब सा लगता है कि खड़े हो गए खुदा के सामने याद कर रहे दुनिया को। मैं उस नमाजी को जानता हूं, तीर चुभ गया था, छूने भी नहीं देते थे, निकालना मुश्किल क्योंकि कैस करो तो इतना डर होता था कि वो छूने भी नहीं देते थे। न निकाला जाए तो जहर फैल जाए, निकाला जाए तो दर्द बर्दाश्त ना हो। किसी ने मजवेला दिया इन्हें नमाज में जाने दो, नमाज में सर रख दिया, तीर खींच लिया, अली को खबर दो। दुनिया तो दुनिया, खुद को भूल गए, मर्द तो मर्द, अपना दर्द भूल गए, फीस तो फीस, टीस भी भूल गए। खुद को भूल जाने वाला जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज। क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? पीछे वाले बोल, जब मुस्तफा जाले रहमत नमाज में दुनिया का ख्याल, दुनिया का तसव्वुर, दुनिया में डूबेंगे, दुनिया बचाएंगे, दुनिया को सोचेंगे। हुसैन को सोचा, हुसैन का ख्याल तो किया, सजदे में तसव्वुर हुसैन, ख्याले हुसैन, सियादत हुसैन, हिफाजत हुसैन, तसव्वुर हुसैन। अब बोल, हुसैन को क्या कहूं, दीन या दुनिया? से सोचते रहो, बोलो मत, बोलो मत, सोचो दीन कहूं कि दुनिया। फ्री हो, मैंने तुम्हें आजादी दी, जो चाहो कहो, चाहे हुसैन को दीन कहो चाहे दुनिया। दुनिया भी कहोगे तो मैं रोकूंगा नहीं, मैं इतना ही टोकूंगा। क्या तुमने हुसैन को दुनिया कहा तो एतराज मुस्तफा की नमाज पर कि हालत सजदा में नबी ने दुनिया का ख्याल किया। हुसैन दुनिया है,
तो रसूल हालत नमाज में मुतवज्जह दुनिया समझे जाएंगे। अगर हुसैन को तुमने दुनिया कहा तो नमाज की हालत में रसूल पे दुनियादारी का इल्जाम लगेगा, इसलिए हुसैन को दुनिया न कहो, दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नमाज ने कहा, दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। ये थी वो अहले बैत जिन्हें रसूल ने कुरान का साथी बनाया। इसलिए तुम याद रखो, अपने घर में तुम यजीदियों का अंबार लगा सकते हो, मगर हुसैन के खून का सौदा न कल करबला में हुआ था न आज करबला में होने पाएगा। इसीलिए जब किसी को बर्बाद करना होता है, जब किसी को बर्बाद करना होता है तो उसे करबला भेज दिया जाता है। करबला, करबला जंग की जमीन नहीं है, फैसले की जमीन है। अब तो फैसला हो के रहेगा। कि यजीद घुसा तो यजीद का फैसला हो गया, अब अमरीका का पलीद घुसा है उसका भी फैसला होगा। तो खुदा ने जिसे अपनी हिफाजत में ले लिया, खुदा ने जिसे अपनी हिफाजत में ले लिया वो कुरान है कुरान, और नबी ने जिसे अपनी हिफाजत में ले लिया वो अहले बैत है अहले बैत। तो अहले बैत का मुहाफिज मुस्तफा, 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 कुरान का मुहाफिज हमारा तुम्हारा खुदा, हमारा खुदा और रहमान। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, और महबूब वो है जिन्होंने कुरान का साथी बनाया। वाखरो दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।